वेलकम बैक, सभी का स्वागत। कैसे हैं सब लोग? जल्दी जल्दी आ जाएंगे सब लोग, मुझे पता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, मैंने शेयर ही नहीं किया लगता है मुझे इसका लाइव, देख लेते हैं एक बार। हाय हाय रेहान भाई, हाय भाई हज्जो, हाँ जल्दी आ गए भाई, टाइम से आया हूँ आज, जल्दी कहाँ आया। हाय मोहम्मद भाई, कैफ भाई कैसे हैं आप? कैफ भाई क्या हालचाल है? मुझे लगा नोटिफिकेशन शायद नहीं जाता तो मैं ग्रुप में भेजता हूँ, लेकिन उससे पहले मिल गया मेरे लिए। आया क्या भाई आज जल्दी? हाँ आप बोलते ना जल्दी आओ। हाय हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं? चरणजीत जी क्या हालचाल, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, और बताइए। मुझे लगा था कि नोटिफिकेशन पता नहीं जाए ना जाए, इसलिए मैंने वेलकम बैक टू माई चैनल, इसीलिए मैंने कहा पहले आ जाना सही है। तीन लोगों ने लाइक भी कर दिया, थैंक यू सो मच भाई। आने से पहले आप लोग दिन में भी अभी फिर से आ गया, मैंने बोला था कि शाम को तो आएंगे ही आएंगे, दिन वाला भी ट्राई किया क्योंकि कई लोग बोल रहे थे आप दिन में आइए, कोशिश करेंगे कि हम आए, और मैं आ गया था। और बताइए। हेलो भाई साहब, हेलो हेलो मिलन भाई, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? क्या तुमको क्यों भाई मैं कथो पसंद तुमको? भाई बहुत पसंद है आप, आकाश भाई आप बहुत पसंद हैं हमें, तभी तो हम आते हैं ना। शुभम मस्त भजन भाई, मेरा वीडियो का कैसा लगा नितिन भाई? 5 मंथ हो गए हैं, बहुत बढ़िया शुभम जी। एक बार दोबारा अगर आप भेज दोगे तो मैं यहाँ ऐड भी कर दूँगा। मैंने तो शुरू में ही लाइक कर दिया था। हाँ मुझे पता है आप लोग आते हैं और लाइक कर देते हैं, तो क्या बोलूँ मैं उसके लिए, थैंक्स अ लॉट भाई लोग। बाकी बताइए क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हैं सब लोग? मैं भी लाइव ऑन कर लेता हूँ कंप्यूटर पे भी। ओके, तो नोटिफिकेशन तो जाता है मुझे लगता है, एक बार देख लेता हूँ, यही है ना लाइव। ओके ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, बस मैं शेयर कर दूँ ग्रुप में। और खाना पीना हो गया भाई आपका? अभी जस्ट खाना ही खाया था और खाना खा के आप लोगों के पास आ गया भाई, उसमें देर नहीं लगती है आपको, आप लोगों ने बोला है तो तुरंत याद करना है और आ जाना है हमें। आवाज़ क्लियर है ना? मुझे लग रहा शायद मेरे पास हेडफोन नहीं है तो आवाज़ का मुझे पता नहीं चलता है, मुझे लगता है ठीक होनी चाहिए आवाज़, चेक करूँ क्या एक बार, होनी चाहिए ठीक। ओके, टॉलीवुड स्टार हीरो सैदा रमन तेज को एक्सीडेंट हुआ भाई, प्रे फॉर हिम भाई। ओके 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 ओके, उनका एक्सीडेंट हुआ है, हम सब प्रे करते हैं भाई, हम तो हमेशा ही कहते हैं किसी का एक्सीडेंट ना हो भाई, क्योंकि ऐसी हालत हम लोगों की हो जाती है कि क्या बोलूँ। वीडियो भेजा है मुझे आपने, मैं इसको ऐड कर 2 मिनट दीजिएगा, फटाफट ऐड कर देता हूँ आपकी वीडियो को। ऐड कर दिया। अमित भाई क्या हाल चाल है? हाय अमित भाई क्या हाल चाल है आपके? नितिन भाई पीछे पीछे 4-5 दिन थोड़ा फ़ायदा मालूम हो रहा है, बस अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बस इतना काफ़ी है, अच्छी बात है, किसी की नज़र ना लगे रहे भाई, ऑल द बेस्ट। हेलो भैया, हेलो मैसी भाई क्या हाल है? हाय टेक्निकल राज भाई कैसे हैं आप? साउथ माई फेवरेट एक्टर है कौन सा है भाई तुम्हारा? मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं रहते एक्टर्स के, आई एम सॉरी भाई, बाकी तो क्या बोलूँ, थोड़ा सा याद नहीं रहता यार। हाय टेक्निकल राज भाई क्या हाल है भाई? मैं बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? आज दिन में ही मैं लाइव आया था इसलिए, क्योंकि कुछ लोग दिन में बोलते हैं आने के लिए। ये वीडियो है एक भाई का, उन्होंने वीडियो भेजा है, इस वीडियो को देख लीजिए,
भाई ने वॉक का वीडियो भेजा, मेरी आवाज़ क्लियर है ना, नी में साउंड होता है चलते चलते, मेरा भी होता है, मेरा होता है राकेश भाई। मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, गुड न्यूज़ भाई, बताओ बताओ मैसी भाई क्या है गुड न्यूज़, प्लीज़ बताओ यार। भाई मेरा फीमर बोन फ्रैक्चर है, यहाँ बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर से बात हुई है, उसे मेडिसिन खाने के लिए बोला है, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो मेडिसिन खानी चाहिए, ज़रूरी है। आपका वीडियो मैंने पहले वाली लाइव में भी चलाया था भाई, आप तो बढ़िया चल रहे हैं, हल्का सा लिंपिंग है वो दूर हो जाएगा, ऑल द बेस्ट भाई। बॉलीवुड में कौन फेवरेट हीरो है? बॉलीवुड में जो है अक्षय पसंद था, अक्षय कुमार। एक सेकेंड ना, मैसी भाई आपका वॉकिंग का वीडियो, वॉकिंग कहाँ, वो तो रनिंग करते हैं अब हमारे मैसी भाई तो। साउंड क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाय गीता कुमारी जी, कैसी हैं आप? बॉलीवुड में ओके, तो ये भाई बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छा चलते हुए दिख रहे हैं। आज मैंने एक चीज़ ट्राई की, मैं उसकी भी वीडियो आपको दिखाता हूँ, वैसे मैं उसको शेयर करने वाला हूँ। तो आज ट्राई किया था थोड़ा सा, मैसी भाई ओके, एक मिनट एक मिनट, हाँ बस 2 मिनट दीजिएगा इस वीडियो को। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? गरिमा, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा वो करना चाहिए। आज थोड़ा सा ये ट्राई किया मैंने, आपको देख रहा होगा। हेलो सर, हेलो अगिता कुमारी जी, क्या गई थी क्या हॉस्पिटल? आप हॉस्पिटल गए थे क्या? स्लो जो हम लोग करते हैं ना, स्लो जॉग, वो ट्राई किया है आज, स्लो जॉग का, अगर आपको वीडियो दिख रहा हो तो। थोड़ा सा पैर में भी दिक्कत है, लेकिन हुआ, थोड़ा आराम से हुआ, लेकिन हुआ, थोड़ी दिक्कत अभी आ रही थी, लेकिन ट्राई किया है फर्स्ट टाइम। कैसे हो सर आप? मैं ठीक हूँ गरिमा। उसके बाद थोड़ा सा जॉग के बाद मैंने थोड़ा ट्राई किया, साइड में आप देखेंगे कि कितना मेरा बेंडिंग का क्या तरीका चल रहा है, ये देखिए पैर अभी ऐसे चल रहा है। मैसी भाई का फ्रैक्चर था, मैसी भाई का टीबिया फिबुला फ्रैक्चर था। आज डॉक्टर का कॉल आया तो डॉक्टर ने मुझे गेम्स, फुटबॉल, सारे गेम्स खेलने को बोल दिया है। बहुत बढ़िया मैसी भाई, वेल डन वेल डन, ये तो बहुत सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है, और हम सब चाहते हैं कि हम सब ऐसे चले। सर रियली मैं बहुत पेन में हूँ, पर मेरा आपके लाइफ छोड़ना नहीं चाहती। देखिए लाइफ तो बाद में आप देख सकती हैं, लेकिन प्लीज़ 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 अगर आपको पेन है ना तो आपको ज़रूर वो करना चाहिए, ज़रूर रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। भैया जी सही है, लगे रहो, थैंक यू सो मच मैसी भाई। थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है आज, होता है हो जाएगा। हाय सर किशोर सर, कैसे हैं आप? जमजम एयरकूल भाई, हेलो कैसे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें ट्राई की आज थोड़ा सा इवनिंग में, नहीं भी नहीं जाना है, नहीं भाई नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है उनको। ओके राकेश जी, सर आप स्टेयर्स चढ़ लेते हो, बट मुझे 12 मंथ हो गए हैं प्रॉक्सिमल टीबिया में, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस भी कम है 7 स्टेयर्स चढ़ने में। राकेश भाई देखो, मैं भी स्टेयर्स चढ़ता हूँ, कॉन्फिडेंस थोड़ी कम ही आती है, उतरने में भी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे करते रहो। मैं ज़्यादा करता हूँ, जब मुझे दिक्कत होती है तो मैं ज़्यादा चढ़ता हूँ, और मैं साइड में जो उसके वो बने होते हैं ना रेलिंग्स, मैं रेलिंग्स को पकड़ लेता हूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ भाई, नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी भाई, करते रहो सब सही हो जाएगा। राकेश भाई ट्राई करते रहना, फीमर पर कितने दिन रिकवर होगा? नीरज भाई आप तो बहुत अच्छा वॉक कर रहे हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी भी थी, चलाई भी थी, आप बहुत अच्छा वॉक कर रहे हैं, और 3 महीने से 6 महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है यार। हाय राम मालो जी, कैसे हैं आप? कुछ फ़र्क है, कुछ अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, प्लीज़ बताएं। जल्दी रनिंग होगी भाई, बढ़िया से बस एक्सरसाइज कंटिन्यू करो, थैंक यू सो मच मैसी भाई, बस हम यही चाहते हैं कि हम सब रनिंग करते हुए दिखें। भाई रॉड है मेरे फीमर बोन में, ऊपर का स्क्रू निकाल दिया है यहाँ, क्या शॉर्ट नहीं है स्क्रू का? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हड्डी उधर इधर तो नहीं होगी ना, डॉक्टर ने कहा है नहीं होती है। भाई कैसे होगी, ऐसा नहीं होता, मैंने भी तो आपको बोला था चरणजीत जी, भाई कुछ नहीं होता, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, कुछ भी नहीं होता स्क्रू निकालने से यार। कब जाओगे किधर जी, आप कब जाओगे पूछ रहे हैं नितिन भाई। जब एंकल घुटने का एक्सरसाइज करने के वक्त इस पे एंकल का आगे पीछे और दाएं बाएं ऐसे वक्त हिलाते हैं तो हिलने से अंदर की रॉड को कुछ 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 असर नहीं होता मिलन जी, आराम से हिला सकते हैं आप, रॉड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपको खोलना ही पड़ेगा ना अपने पैर को। बट सर नींद भी नहीं आ रही है, दीद भी नहीं आ रही है, बहुत परेशान हूँ मैं कि मैं थोड़ा देर नींद आई मैं उसके बाद फिर परेशान हो गई। गरिमा जी मैं समझ सकता हूँ, एक तो आपको फीवर भी है, ऊपर से आपके स्टमक में पेन है तो आपको ऐसा हो रहा होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, प्लीज़ 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 थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी है, थोड़ा ट्राई करो रेस्ट करने का ना गरिमा, होगा
भाई मैंने एक वीडियो भेजा भेजा है, बताना कैसा चल रहा हूँ। 2 मंथ हो गए हैं, अभी ऐड करता हूँ। मैं अब पूरी टाइम नहीं दे सकता, बट थोड़ी देर आपको देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मुझे पता है कि आप थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, बस आपका आना बहुत ज़रूरी है। मैं आप दिन में भी आए थे, कल भी आए थे, बस आप आ जाते हैं हमारे लिए वो बहुत है। थैंक यू सो मच किशोर सर, आपका काम वापस चालू हो गया है। हम तो उससे मैं यही तो बोल रहा था कि अगर आप पुराने काम में बिज़ी हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको फिर ये सब कुछ जो गलत गलत ख्याल आते हैं वो भी नहीं आते हैं, सब चीज़ अच्छी हो जाती है ना, तो वो अच्छा है। इस 14 को जाओगे क्या गीता कुमारी जी? इस 14 को जाओगे? अमित जी पूछ रहे हैं, गीता जी आप जाएंगे क्या इस 14 को दिखाने के लिए? तो प्लीज़ बताएं उन्हें। बाकी तो सब बढ़िया है। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण नीरज भाई, क्या हाल चाल है आपके? नीरज मीणा जी, एक सेकेंड भाई, वीडियो देख लो। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ आपकी वीडियो। टेक्निकल राज भाई ने वीडियो भेजी है, मैं उसको ऐड। फोर एमबी की वीडियो है, डाउनलोड कर लिया है। वीडियो आपकी डाउनलोड हो गई है टेक्निकल राज जी, 2 मिनट दीजिएगा। आपने डिनर किया? हाँ, मैंने अभी जस्ट डिनर किया है। सर नींद नहीं आ रही है, आएगी मैं चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। अब बस आपको नींद नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ 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 अगर पेन ज़रा भी होना तो ज़बरदस्ती मत करना। हाय अजिंक भाई, जय श्री कृष्णा देश भाई, जय श्री कृष्णा। हाय अजिंक काली जी, कैसे हैं आप भाई? स्वेलिंग कब तक जाएगी? स्वेलिंग धीरे धीरे जाती है भाई, हो सकता है 1 साल में जाए, हो सकता है 1.5 साल में। स्वेलिंग का इशू नहीं है, मेन इशू है आपका पैर ठीक होने का, आप वापस से नॉर्मल हो जाओ। हम तो सब यही चाहते हैं, बस इसी का मेन इशू है। वो कब तक होगा वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो टेक्निकल राज भाई का वीडियो है ये, इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं तब तक फटाफट इसको शेयर कर दूँ यार, कई लोग नहीं आ पाए हैं। विकी भाई दीपक कहाँ चला गया यार? दीपक तो बिल्कुल ही गायब हो गया। एक या दो स्क्रू निकलने में कितना टाइम लगता है सर्जरी में? एक या दो स्क्रू निकलने में, अच्छा अगर स्क्रू आपका रिमूव हो रहा है तो स्क्रू रिमूव करने में मुश्किल से 10-20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20 मिनट में लग जाता है। 2 कट लगते हैं और वो निकाल देते हैं स्क्रू। स्क्रू में ज़्यादा टाइम लगता है भाई। जब चलता हूँ तो एंकल में पेन होता है। अमित जी होता है, हम सबके होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंकल की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किशोर जी कुछ टिप्स दीजिए फास्ट रिकवरी के लिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ किशोर सर के तो टिप्स हमें बहुत ज़रूरी है भाई। किशोर सर प्लीज़ अपनी टिप्स दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है आपके टिप्स की। प्लीज़ दीजिए थोड़ा सा आके, आप टाइम पे आप आ जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है सच में। गुड इवनिंग नितिन जी वंस अगेन, गुड इवनिंग अमन भाई, क्या हालचाल अमन भाई? भाई कुछ बताया नहीं आपका वीडियो, आपका वीडियो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी मैं वहाँ देखने लग गया था। लिंपिंग है, लिंपिंग है, थोड़ी सी लिंपिंग है, सॉरी टेक्निकल राज जी, तो थोड़ी लिंपिंग है लेकिन बाकी ठीक है, चल रहे हैं आप बढ़िया। लिंपिंग धीरे धीरे चला जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुड नाइट भाई, गुड नाइट अमित जी, ध्यान रखिए अपना। तो लिंपिंग धीरे धीरे चली जाएगी, लिंपिंग की इशू नहीं है। अमर सवन जी हेलो, कैसे हैं आप? तो लिंपिंग तो चले जाएगी, बाकी आप बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कहीं ऐसा लगे कि आप बाहर जब जाएं तो मैं तो कहूँगा कि आप स्टिक लेके जाएं, क्योंकि एकदम से कहीं तेज़ चलना पड़ जाए तो दिक्कत होगी, क्योंकि अभी स्लो वॉक है और लिंपिंग बहुत है, बाकी बढ़िया है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट भाई। भाई जब डॉक्टर स्क्रू निकालते हैं तो बहुत पेन होता है, ध्यान रखना। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो रेहान जी, हल्का फुल्का पेन होता है, ऐसे डराओ मत किसी को। विनय दिसवाल जी भाई कैसे हैं आप? विनय भाई तो ऐसे डराओ मत, होता है पेन, बहुत कम होता है, हल्का हल्का पेन होता है, क्यों रेहान भाई, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता कभी भी। नीरज जी सर जी अच्छे हैं आप, कुछ टिप्स दे, सभी को लिंपिंग की प्रॉब्लम है तो कुछ टिप्स लिंपिंग के लिए भी बताएं, अभी बताएं। नीरज भाई मैं लिंपिंग के लिए 2-3 चीज़ें बता चुका हूँ। एक तो क्या, आप पहले तो एड़ी और पंजा, पहले आपको पैर रखते टाइम एड़ी रखनी है, पंजा रखना है, चलते टाइम ध्यान रखना है इस चीज़ का। दूसरी चीज़, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको, इसको पकड़ के
अपने पंजों के सहारे खड़ा होना है, अपने पंजों के सहारे ऐसे खड़ा होना है और किसी चीज़ का सहारा लेना है, दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी चीज़ कि आपको जो मैं भी कर रहा था ना, अपने जो घुटने के लिए हम करते हैं, घुटने के लिए हम क्या करते हैं, पैर को ऊपर करते हैं, मतलब जो मैंने अभी करके दिखाया था कि हम एक पैर को ऊपर करते हैं फिर दूसरे को ऊपर करते हैं, तो वो एक्सरसाइज एक जगह खड़े होकर आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके जो नी की जो भी आपकी नी में जो भी दिक्कत है ना वो उससे सॉल्व होगी, तो ये भी आप ज़रूर कर सकते हैं लिम्पिंग से रिलेटेड। आज तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत खुश तो मैं हमेशा रहता हूँ गीता जी, मैं कभी भी निराश नहीं होता। सही भाई कैसे हो सचिन भाई, मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं। गरिमा जी कल आप रूम पे हैं, रूम पे ही होगे सर, मैं दिन में कॉल करूँगी या शाम करूँ, कभी भी कर लेना, कोई इशू नहीं है, मैं तो घर पर ही हूँ, मैं तो हल्द्वानी हूँ, घर पर हूँ, कोई इशू की बात नहीं, आप कभी भी कर लेना जब भी आपको करने का मन हो। विनय देसाई जी क्या बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं स्टिक से स्टार्ट हो गई है, 4 डे हो गया है, कितने दिन तक चल सकते हैं। अगर आप स्टिक से चलना आपने स्टार्ट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, स्टिक छोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता, मतलब ये समझिए कि अगर आपको 30 दिन वहाँ लगाए तो 10 से 15 से 20 दिन में आप स्टिक छूट जाएगी, आपकी बॉडी खुद अलाउ करेगी, आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आपकी बॉडी अलाउ कर देगी, आप खुद ही उसको छोड़ पाएंगे, फिर इशू नहीं होगा। सर टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हुआ, 100 डेज हो गए हैं, वॉकिंग स्लो गुड बट नॉर्मल वॉक कब तक होगी, एंड सर जो सही लेग है उसकी नी में पेन होता है ड्यूरिंग सिट एंड स्टैंड अप, व्हाई इज इट नॉर्मल, क्या ये सेट होगा। आप बोल रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो सही लेग है उसके घुटने में पेन हो रहा है, यानी कि आपने पूरा वेट नहीं दे रहे हैं अपने पैर पे। देखिए दो चीज़ें हैं आपके जो दूसरे घुटने में पेन होने का कारण, यही है या तो आपका पोस्चर गलत है या फिर आप एक पैर में ज़्यादा वेट दे रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, इसलिए वो पैर में दर्द हो रहा होगा। और बाकी आप बोल रहे हो कि 100 डेज हुए हैं, स्टिक आपकी जो वॉक है वो नॉर्मल वॉक स्टार्ट हो गई है, लेकिन मतलब स्लो वॉक आप कर पा रहे हो लेकिन तेज नहीं चल पा रहे हो, वो आपके पैर में जब तक कमज़ोर है, 100 डेज ही हुए हैं अभी आपका पैर कमज़ोर है, एक्सरसाइज करके और धीरे 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 वॉक करके ही आपका वो आप हासिल कर पाओगे वापस वाली वॉक, क्योंकि पैर आगे बढ़ेगा ही तब जब वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, तो प्लीज़ वो करिएगा। मैंने मांगे मनिके मांगे हिते का क्या मतलब है, पता नहीं भाई क्या लिखा है, मनिके मांगे हिते मुझे नहीं पता, सॉरी। नीरज भाई गुड डाइट, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, प्रॉपर मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड 100% ट्रस्ट इन गॉड एंड योरसेल्फ, सही बात है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं भाई करने के लिए। फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा सर कल से, यार बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, अगर गिरिमा इतनी ज़्यादा फीवर होना नहीं चाहिए यार, और मेडिसिन आप ले रहे हो उसके बाद भी कम नहीं हो रहा, ध्यान रखो यार, अभी तो पेरेंट्स से बोलो वो थोड़ा पट्टी कर दें, और कल ज़रूर डॉक्टर को दिखाने जाना, क्योंकि इस तरह से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ ध्यान रखो गरिमा, और पापा से बोलना कि उनसे बोलना, अंकल से बोलना, जो भी घर में हो, भैया भैया जो भी हो आपके घर में, तो उनसे आप ज़रूर बोलना कि थोड़ा सा उनको आपको कल डॉक्टर के पास ले जाएं, ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस समय फीवर आना सही नहीं है। 125 डेज हो गए हैं और मैं चल लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंकल नहीं मुड़ता है, थोड़ा बहुत मुड़ता है, लेकिन लगता है कि ब्लड थक्का थक्का जमा है, जमा नियन लगता है। सुखिंदर जी देखिए, अगर आपके एंकल में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी जॉइंट में प्रॉब्लम हो, तो उसको जॉइंट का आपको चलाना ज़रूरी है, कैसे आपको उसको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने जॉइंट को हिलाना है, अपने एंकल के लिए डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन करना है, एक दुपट्टे से उसको बांध के पीछे की तरफ खींचना है, प्लीज़ ये सब कुछ करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। हाय सर हाउ आर यू, आई एम गुड, अमित जी आप बताएं आप कैसे हैं। बेबी इन माय हार्ट एवरीथिंग पैशनेट इज़ अबाउट यू, ये है मीनिंग अमन भाई, अच्छा क्या बात है, क्या बात है भाई, ये किसके लिए लिख रहे हो, कौन लिख रहा है, मन के मांगे हिते, ये कहाँ लिखा है, किसने लिखा है मन के मांगे हिते, भाई साहब क्या क्या लिख दे रहे हैं। टोक्यो मर गई यार उसमें, अमन भाई क्या हुआ यार अब। हेलो जिन भाई कैसे हो आप, राजेश जी मैं बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं। हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, अमित भाई आप बताएं आप कैसे हैं, मुझे लगता है कि आप ठीक होंगे। हेलो भाई कैसे हो, राज यादव जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, कैसे चल रही है वॉक, मैंने बाइक चलाना लग गया हूँ, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। विजय लॉयर लॉगट जी कह रहे हैं, हाँ सर थोड़ा आराम लगा है, अभी पैर नहीं हो रहा है, हाँ सर थोड़ा आराम लगा है, विजय जी आप बोल रहे थोड़ा आराम मिला है और अभी
पैर नहीं हो रहा है, पैर नहीं हो रहा मतलब पैर में स्वेलिंग नहीं हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए मैं बार बार सबको बोलता हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके एंकल में जाम है तो आपको क्या करना चाहिए, एंकल की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना, पैर सीधा करना है, एंकल को मोड़ना है पीछे की तरफ को। टीबिया प्रॉक्सिमेट टीबिया केस में मेनिस्कस एंड कार्टिलेज पे फ़र्क पड़ता है क्या? प्रॉक्सिमेट टीबिया के केस में देखिए राकेश भाई, डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि कुछ कुछ केसेस जो हैं हमारे पास, कुछ कुछ लोग ये बोलते हैं कि हर केस में नहीं होता, हर केस में अलग 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 फील होता है। प्रॉक्सिमल टिबिया के केस में ACL PCL का प्रॉब्लम भी आता है किसी किसी को, लेकिन हम किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सोचो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों चीज़ों में, यही मानो। एक वायरल श्रीलंकन सॉन्ग है, ओके। हाय नितिन जी, क्या हाल है? विजय कुमार जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में? ब्लड सर्कुलेशन कब तक पूरी तरह सही होता है? सुखिंदर कुमार जी, देखिए ब्लड सर्कुलेशन होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी अभी वेंस, हमारी जो ऊपर से हमारी जितनी भी नसें वगैरह है ना, वो सब टाइम लगाती हैं यार ठीक होने में। अभी हमको पैर इसलिए थोड़ा झंझनाहट भी होती है पैर में, और टच करने में ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा टच, तो वो सब होता है, नॉर्मल है, धीरे धीरे जाएगा सर, 1 साल लग जा सकता है इसमें, 1.5 साल भी लग सकता है, रिकवरी होती रहेगी बस ये है। अमन भाई को राम राम। शराबी सर, अभी मैं सर अभी मेरे एंकल में दर्द हो रहा है, सॉरी, ज़्यादा, अभी नया फ्रैक्चर हो चुका है वापस एंकल में। एंकल में दोबारा फ्रैक्चर हो गया? ऐसा क्या यार, क्या हुआ ऐसा कि दोबारा फ्रैक्चर हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हेलो भाई, हेलो देव भाई, क्या हाल है, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है लाइफ में? गेमर बॉय, अरे भाई भाई, लिम्पिंग इज कम्प्लीटली गॉन बट स्टिल कांट वॉक फास्ट। लिम्पिंग चली गई गेमर बॉय भाई, तो ये तो अच्छी बात है। फास्ट नहीं चल पा रहे हैं, पैर में जान नहीं है इसका मतलब, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो उसका मतलब, थोड़ा सा ना आप कुछ वेट लेके SLR करो, और नी बेंडिंग करो, ज़रूरी है वो करना। ज़्यादा चलने के बाद लिटिल लिम्पिंग आती है, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी तेज़ स्पीड नहीं आ रही ना, अगर आपका पैर एकदम आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पैर में, अभी आपके घुटनों में, आपके पैर में थोड़ी जान नहीं आई है, मतलब कि मसल्स में भी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ 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 आपको बार बार बोलूँगा कि आप ज़रूर 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 चलना चालू रखो और एक्सरसाइज चालू रखो, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी भाई। धीरे स्पीड बढ़ रही है चलने में, चलने की, अब बहुत बढ़िया देव भाई, चलनी चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। सही कहा, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, बस यही तो दिक्कत है, एक्सरसाइज करना है सर। सर लेग पतला क्यों हो जाता है? विजय कुमार जी, सबके साथ ऐसा होता है कि हमारा जो लेग है वो पतला हो जाता है, 2-3 चीज़ें हैं, मसल्स आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, मसल्स हमारी डैमेज हैं, मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं, इसलिए भी पैर पतला होता है, लटक जाता है वहाँ। दूसरी चीज़ क्या कि उसका फ्रैक्चर हमारा, जब हमारा जब जब भी हमारा जो भी हमारा पैर में हुआ होता है ना, इंजरी हुई है, रिकवर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, सर्जरी होती है, तो सर्जरी होने में हमारे घुटने पे एक कट लगता है, उससे वो सब रॉड अंदर जाती है, किसी के कुछ भी कटता है, वेंस में फ़र्क पड़ता है, इसलिए भी वो पतला होता है। तो प्लीज़, तो ये होता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर मेरा टीबिया फिबुला टूटा है, सर मेरा फिबुला फिबिया टिबुला टिबिया फिबुला आपका टूटा हुआ है, एक सेकेंड, और इस पर मालिश के लिए कौन सा ऑयल उपयोग करें? देखिए MK मन्नू जी, अगर आपने अभी तक, अगर आपके अंदर वो कुछ लगा हुआ है ना, तो प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर आपके पैर के अंदर लगा हुआ है कुछ ना कुछ, तो आपको उस पर मालिश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ऊपर से लगा सकते हैं ऑइंटमेंट ताकि आप एक्सरसाइज कर पाएँ, लेकिन मालिश करना सही नहीं है। विक्की भाई को प्रणाम, विक्की भाई को प्रणाम। अमन भाई का गरिमा, हाँ सर कल हॉस्पिटल जा रही हूँ मामा को लेकर, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, इतना फीवर कैसे आ गया? बहुत ज़्यादा फीवर आना सही नहीं है, आप अगर डोलो 650 ले रहे हैं या पैरासिटामॉल ले रहे हैं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए था, उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये तो खतरे की घंटी, आप दिखाइए डॉक्टर को प्लीज़। ईश्वर ईश्वर एंकल 9 मंथ लगता है, ईश्वर एंकल 9 मंथ लगता है, इसके लिए वह फ्रैक्चर हो चुका है डॉक्टर वाला वाला, अभी वह थोड़े दिन ऐसे रहेंगे, आपको व्हाट्सएप करना चाहिए, लेकिन नहीं होता व्हाट्सएप। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो विजय जी।
मैं समझा नहीं आपकी बात को। ऑपरेशन के टाइम में ब्लड निकलता है, हाँ ब्लड निकलता है हमारा, वो भी रीज़न है एक जो पतला बयान होने का। बहुत सारे रीज़न्स हैं यार, सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके साथ होता है ये समझ लीजिए। हाय बोलिए जी। हाय राहुल भाई, क्या हाल है आपके? राहुल जी क्या चल रहा है लाइफ में? कितने दिन बाद दोनों लेग बराबर कब आते हैं? विजय कुमार जी, एक्सरसाइज करके, वॉक करके जब हमारी मसल्स पूरी स्ट्रांग हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, तो पैर बराबर हो जाएगा, दिक्कत नहीं लेना अपने को। हाय नितिन भाई, मैं वॉकर से 3 डेज से चलता, एक मिनट, 3 डेज चला और 4th दिन से स्टिक से चलना चालू किया, एकदम नॉर्मल, लेकिन अभी बैलेंसिंग नहीं हो रहा है बिकॉज मसल्स अभी वीक हैं। मेरा टीबिया फिबुला फ्रैक्चर था। देखिए बहुत अच्छी बात है रितेश जी। देखिए हमको ना वॉकर जो है, वॉकर के बाद जब हम स्टिक पे आते हैं तो स्टिक पे आने का मतलब ही है कि आप फुल वेट बियरिंग कर रहे हैं। वॉकर के बाद स्टिक पे आ गए, फुल वेट बियरिंग कर रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप आराम से स्टिक को छोड़ सकते हैं 3 दिन में। कई लोगों ने आप बोल रहे हो 3 दिन में, 10 दिन 15 दिन में भी लोग छोड़ देते हैं, मैक्स टू मैक्स 20 दिन लगते हैं फिर वो स्टिक छूट जाती है। ऑपरेशन भी नहीं किया मैंने रितेश जी, ऑपरेशन नहीं किया है आपने देश जी, क्या बोल रहे हैं वो? अच्छा आपने वो भी नहीं कराया, ऑपरेशन भी नहीं कराया, उसके बाद भी आप चल रहे हैं आराम से, बहुत अच्छी बात है सर, सब कुछ नॉर्मल हो गया, गॉड ब्लेस यू भाई, बहुत अच्छी बात है। हेलो भाई कैसे हो? सफर भाई मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ सर अचानक से हुआ और अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं स्टमक पेन से बहुत परेशान हूँ। हाँ आपके एक तो स्टमक में भी हो गया गरिमा और साथ में फीवर भी है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप थोड़ा सा रेस्ट करिए, रेस्ट कर करके ही ठीक हो सकता है। और थोड़ा सा अब हम कह तो देते हैं पॉजिटिव रहिए, लेकिन मुझे पता है कि पेन कितना होता होगा और पेन को सहना बहुत मुश्किल है। हॉट पैक यूज़ करिए, हॉट पैक से थोड़ा सा आराम मिलेगा। ऑपरेशन भी नहीं किया आपने, बहुत अच्छी बात है। हाय ब्रो, 45 डेज बाद लेग मूवमेंट कैसा रहा? एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। लेग मूवमेंट कैसा रहा? रोटेशन, बेंडिंग, स्लीपिंग पोजीशन। किरण भाई मैंने 45 डेज के बाद मैंने ना उसको, जब मैं सोता था तो मैंने उसको पहले ऊपर रख के सोता था, तो मैंने उसको नीचे रखना शुरू कर दिया था फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ डॉक्टर ने बोला था 20% वेट बेयरिंग, तो मैंने वेट बेयरिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, मैं चलने लग गया था विद 20% वेट, यानी कि पंजे के सहारे बोला था, तो मैं पंजे के सहारे चलने लग गया था। दूसरी चीज़ ये मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो और बेंडिंग मैं कर रहा था, अच्छी खासी बेंडिंग मैं करने लग गया था, 90 डिग्री तक मैं पहुँच गया था, क्योंकि मेरे को बेंडिंग में ज़्यादा दिक्कत थी, तो 90 डिग्री तक मैं पहुंच गया था 45 डेज में। भाई कैसे हो? मैं बढ़िया सफस भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? बाय ब्रो, मेरा डाटा फिनिश हो गया, कल मिलते हैं। ठीक है रेयान भाई, कल मिलते हैं, गुड नाइट भाई। अतुल सचना जी, हाउ आर यू? नितिन भाई आई एम गुड, अतुल जी आप बताएं आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप ठीक होंगे। रोहित गोस्वामी जी, हाँ हवा लगती है पैर में, दर्द होता है? नहीं होता ऐसे रोहित जी, डॉक्टर बोलते हैं ठंडे, मतलब कई लोग बताते हैं कि ठंडे में दर्द होता है, लेकिन मैं तो ठंडे में ही रहता हूँ, दर्द तो नहीं होता, टच वुड अभी तक तो नहीं हुआ है और ना ही हो। डिनर हो गया सर आपका, एंड अब आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ गरिमा, और मेरा डिनर हो गया, डिनर होके मैं आता, हॉस्पिटल जाने के टाइम आ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है। हार्ट बीट मत बढ़ाओ, एक्सरसाइज कर बढ़ाओ गीता जी, एक्सरसाइज और वॉक बढ़ाओ, हार्ट बीट बढ़ा के कुछ नहीं होगा। भाई गरिमा जी, डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट बताया है ट्यूमर के लिए? सर्जरी को बोला आप मेडिसिन से, क्या बताया प्लीज़ बताइए गरिमा जी आप। एवरी वन थिंकिंग अबाउट प्रोफेसर, बट बर्लिन कम्स आउट ऑफ सिलेबस। हाँ सही बात है, सब लोग सोचते हैं प्रोफेसर के क्या होगा, ये बात सही बात है। सब कुछ बढ़िया रहा। हेलो भैया कैसे हैं आप? देवेंद भाई बहुत बढ़िया, तू बता कैसा है, कितना रिकवर हो गया, कितना चल रहा है? मुझे लगता है कि तू ठीक होगा। सर एक शायरी भेज दिया है, एक एक्सरे भेज दिया है विजय जी, ऐसा लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी ओनली मेडिसिन ले रही है गरीब, एक तो इनकी हेल्थ भी बहुत बहुत कमज़ोर है, ये भी दिक्कत है। दूसरी ना एक्सरे भेज दिया है बोल रहे हैं। ओके लाइव नहीं ब्रो, लाइव नहीं आया मैं, लाइव तो हूँ मैं, भाई को क्यों नहीं पता चला कि मैं लाइव हूँ, एक बार देख लेते हैं। एक मिनट दीजिए, अब हाँ मैं इनको जरा भेज दूँ लिंक, बोल रहे आप लाइव नहीं आए, बल्कि मैं तो लाइव हूँ, टेक्निकल राज की वीडियो है। ओके कौन बोल रहा है मैं लाइव नहीं आया, मैं तो लाइव हूँ, लिंक भेज दिया मैंने आपको। अच्छा ठीक है, तो डाउनलोड कर लिया आपके एक्सरेज भी। ओके हाँ ठीक है ये कह रहे थे मुझसे, भाई को भेज दूँ लिंक। चलिए
कुछ एक्सरेज हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं इसको आपके सामने शो कर देता हूँ। सर ऐड आया, थैंक यू सो मच निधि बताने के लिए। हाय इट्स देव। ओके, एकदम एकदम से मौसम चेंज हुआ और थोड़ा ठंडा हुआ, पता नहीं क्यों एंकल में पेन हो रहा है। एंकल में पेन हो रहा है, नहीं होना चाहिए विक्की भाई, ठंडे में आ जाओ कुछ दिन रहने के लिए, फिर नहीं होगा। न्यू एक्सरे लेटेस्ट भेज दिए हैं विजय जी, अभी ऐड करता हूँ। फ़ोन ठीक करवा लिया, 5K लगे। अच्छा 5,000 लगे, लेकिन चलो फ़ोन ठीक हो गया, ये ज़रूरी है। फ़ोन तो आजकल भाई अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। वनकम 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 सर, वनकम पंकज सर, कैसे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए सर पढ़ाई करिए, अभी मेडिसिन के लिए कहा है, उससे ठीक हो जाएगा, वरना फिर सर्जरी के लिए। ओके, सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके 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 सर, ऐड आया। ओके ऐड आया, अच्छी बात है। तो बारिश तो यहाँ भी हो रही है, बट मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है विक्की जी, उसको दीपक भाई को लग रहा कि ऐसा कुछ है, ठंडा नहीं लग रहा है, तो अच्छी बात है। हाय हाय कश्मीर हाइव जी, मतलब जैद भाई को टाइम मिल गया फाइनली। हेलो जैद भाई, अब तो मुझे लगता है जैद भाई मैराथन जाने वाले होंगे, क्योंकि वो पहले ही 90 दिन में वो दौड़ने लगे थे, मुझे लगता है कि वो अब बढ़िया हो गए होंगे। मेरा मैसेज पढ़ो दिन भाई, अभी देख लेता हूँ। सब जगह प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, नहीं है, नहीं आ पा रहे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा हूँ। भाई कोई बात नहीं, अगर लाइव में नहीं आ पा रहा, लेकिन ठीक तो है ना, मेन चीज़ है कि ठीक हो ना, ठीक तो हो गए हो। क्या मैसेज है आपका हितेश भी, मैंने क्यों नहीं पढ़ा आपका मैसेज? ऑपरेशन भी नहीं किया आपने, आपने कौन सा मैसेज आपका नहीं पढ़ा मैंने हितेश भाई? मुझे लगता है मैंने सारे मैसेज पढ़े हैं, फिर भी कोई रह गया। मेरा मैसेज पढ़ो नितिन भाई, मैंने पढ़ लिया था। जब भी हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर होगा यही बोलता है कि दूसरा ऑप्शन होगा, इस बार नहीं बोलेगा, अच्छा रहेगा सब कुछ, बिल्कुल मत सोचो। देवेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? जैद भाई को नमस्कार, जैद भाई को नमस्कार। फ्रैक्चर होने पर क्या पैर छोटा बड़ा हो जाता है, या ये सही है क्या? अर्जुन जी ऐसा नहीं होता, किसी किसी केस में होता है बोन शॉर्टनिंग का प्रॉब्लम, हर किसी के साथ नहीं होता, मत सोचो ऐसा। किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो बिल्कुल मत सोचो कि शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ का कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जितना सोचोगे उतना गलत लगेगा। भाई ने फोटो भेजी है यार, आप तो मुझे एक सेकेंड, जिन्होंने वीडियो भेजी है ये कहाँ से हैं? यूनिवर्सल पावर टर्न ऑन चेंज, जय गुरुदेव। एक सेकेंड मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, आप आ जाइए और जस्ट अ मिनट। कुछ एक्सरेज हैं मैंने ऐड कर लिए हैं, देख लेते हैं। ये किसी का एक्सरे है? अगर आप में से किसी का है तो प्लीज़ बताएं। स्टार्टेड ड्राइविंग कार फ्रॉम यस्टरडे, बहुत बढ़िया सर, राहुल सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय ब्रो, हाय राहुल भाई, क्या हाल चाल है? राहुल सर क्या चल रहा है? इनिशियल स्टेज में सही हो जाएगा, अगर खाना पीने की कोई रिस्ट्रिक्शन बोली होगी तो फॉलो करना ज़रूर। हाँ इनिशियल स्टेज में ठीक हो जाएगा आपका जो ट्यूमर का प्रॉब्लम है, अगर खाने पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन बोली तो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच देव भाई बताने के लिए। हेलो भाई, हेलो बालाजी जी, कैसे हैं आप? कल वैक्सीन लगा कैसा रहा? मैम को भी लगा, चंदा मैम को कैसी है मैम, उनके बारे में तो बताइए, कितनी ठीक हो गई वो? वैक्सीन लग गया तो आज तो फीवर में हो गया आप ज़रूर, नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। लाइव में आ पाता हूँ बट फ़ोन के कारण नहीं आ पा रहा था। अच्छा अच्छा बिल्कुल आ पाऊँगा, थैंक यू सो मच भाई। चल ठीक तो हो गया, बिल्कुल मिला के फ़ोन ना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग ड्राइविंग फ्रॉम कार यस्टरडे, बहुत बहुत अच्छी बात है राहुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर से देखो मैंने दूसरा मैसेज किया है नितिन भाई, दूसरा मैसेज किया है, मेरे को दिखा क्यों नहीं? आप दोबारा कर दिया करो ना यार, पता नहीं चलता। देव क्या बोल रहे हैं? अतुल सक्सेना हाउ यू, एम गुड। ऑपरेशन नहीं किया मैंने हितेश भाई, ऑपरेशन नहीं किया। हाय नितिन भाई, वॉकर से 3 दिन चला और फिर 4 दिन से स्टिक लेके चलता हूँ, नॉर्मल हूँ लेकिन बैलेंस नहीं बन रहा है मसल से। ये तो मैंने पढ़ लिया था ना पहले ही, इसका रिप्लाई भी दे दिया था, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैंने नहीं दिया? मैं तो कोशिश करता हूँ सारे रिप्लाई दूँ। कैसे हो सब? हम तो बढ़िया हैं सर, आप बताएं साहब आप कैसे हैं? कश्मीरी जैद भाई, हमारे जैद भाई तो बिल्कुल भूल गए हमें, आते ही नहीं है यार अपना कुछ मोटिवेशन देने के लिए। भाई वीडियो सेंड किया है आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है सफस भाई अभी ऐड करता हूँ, आपने आपका ही वीडियो शायद वो होगा। ये किसका एक्सरे? हाय अमित सैनी जी, कैसे हैं आप? हम शायद मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो एंकल इस वजह से जाम हो रहा है। हाँ हो सकता है जाम इस कारण हो रहा हो, करना ज़रूरी है अमित भाई, सबको करा रहे हो विक्की भाई और खुद नहीं कर रहे हो नितिन भाई। आयुष्मान भाई एंकल थोड़ा खुला है। अच्छा आयुष्मान भाई, वही मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। हाँ अर्जुन भाई आप एक्सरसाइज करो, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा फीवर है, मॉम कुछ दिन बाद लेंगी, हाँ ठीक है उनको भी लिखा दीजिए। और थोड़ा फीवर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लेना ज़रूरी था। अभी फर्स्ट डोज ली होगी, मेरे को सेकंड डोज भी अब नेक्स्ट मंथ लगेगी। बिना एयरकास्ट के नहीं चला जाता,
बिना एक आस के नहीं चल पाते हैं। अभी मैं आपका एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है, 8 मंथ हो गए हैं, अभी मैं ऐड करता हूँ भाई। हाय बशीर भाई, कैसे हैं आप भाई? वीडियो प्ले कर दो सफ़र भाई, अभी करता हूँ सब। सपने कितने दिन में छोड़ सपना कितने दिन में छोड़ सकता हूँ अभी? सपने अभी बहुत कुछ टाइम गुजर गया, समझा नहीं विजय भाई क्या कह रहे हो। सपने कितने दिन में छोड़ सकता हूँ क्या मतलब है? जैद भाई रनिंग में लग गए हैं, रनिंग नहीं वो मैराथन कर रहे हैं। नहीं सर, लगता है कुछ एरर है आप में। मेरे में एरर है वो मुझे लगता है कहीं रिस्ट्रिक्ट ना हो गया होगा, कुछ लिखा होगा आपने मैसेज, अगर वो हो सकता है रिस्ट्रिक्ट हो गया होगा। कभी क्या होता है ना, मैसेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कुछ अगर बड़ा मैसेज हो तो, क्योंकि मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है जो मैंने देखा, वरना मैंने सारे रिप्लाई किए हैं लगभग लगभग। एक बार देख लेता हूँ रितेश भाई का मैसेज। नहीं सर, लगता है कुछ एरर है। नहीं नहीं, मैंने तो किया है 10:35 में चैट में, मैं देख लेता हूँ। अमन भाई का मैसेज रिट्रैक्ट हुआ है, मुझे नहीं दिख रहा भाई मैसेज, सॉरी आपका मैसेज नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी। थैंक यू देवेंद्र भाई, सब अच्छा होगा अर्जुन भाई, टेंशन नहीं लीजिए। सॉरी सॉरी मैसेजेस पर भाई, वीडियो प्ले कर दो, ऐड कर देता हूँ। जैद भाई रनिंग कर रहे हैं, क्या लचक रहेगी कि ठीक होने के बाद भी? नहीं रहेगी बिल्कुल, बिल्कुल लचक नहीं रहेगी भाई, टेंशन मत लो। नहीं सर, लगता है कुछ ज़्यादा है। रमनवीर जी भाई, मेरा 61 डेज के बाद स्टेयर्स में अप डाउन कर पा रहा हूँ बहुत बढ़िया, विद सपोर्ट ऑफ रेलिंग और वॉकर से, सपोर्ट से वॉक कर पा रहा हूँ, पर एंकल में स्वेलिंग आ गई। एंकल में स्वेलिंग आना नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आप पैर लटकाते हैं, पैर नीचे रखते हैं, एंकल में स्वेलिंग आती है, दिक्कत मत लीजिए। रिस्ट्रिक्शन तो है खाने में, पर मेरा तो खाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी, लेकिन खाना खाना ज़रूरी है। सबको नमस्ते नितिन भाई, किशोर सर, देवेंद्र भाई, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक हैं। जैद भाई आप बताएं आप कैसे हैं भाई? 8 मंथ एक सेकेंड भाई, 8 मंथ हो गए हैं, अभी एंकल नहीं खुला है। एंकल खुल जाएगा सफ़र भाई, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आपका वीडियो ऐड कर देते हैं पहले, सबसे पहले तब तक मैं वीडियो ऐड कर रहा हूँ, तब तक भाई नीचे सुपर चैट का ऑप्शन भी खुल गया है, तो प्लीज़ सुपर चैट कर सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करें तो आप सुपर चैट कर सकते हैं। तब तक मैं इनका वीडियो ऐड कर लेता हूँ, हमारे आयुष्मान भाई का, क्योंकि मैंने वीडियो तो डाउनलोड किया था, हो गया डाउनलोड, और रन करके दिखा भी देते हैं। बस 2 मिनट दीजिएगा। हाँ तो ये हमारे हितेश, हमारे आयुष्मान भाई का वीडियो है, इसको एक बार चला देते हैं। हेलो भाई, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? नितिन भाई बिना एकास के कब खड़ा हो पाता हूँ, एकास के बस खड़ा हो पाता हूँ। अभी आपको उसकी आदत लग गई है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। एक मिनट, अभी आपका, अभी आप जब इसको हटाएंगे ना, अभी तो दिक्कत आ रही है, पैर कमज़ोर है सर आपका, एक्सरसाइज करने से सही होगा अभी। क्या बात है, क्या बात है, आप चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इसको चलते हुए देख के, लेकिन इसके बिना चलने की आदत डालनी है सफर भाई, तो उसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है पैर की, एक्सरसाइज करिए, SLR करिए, बहुत ज़रूरी है SLR करना। मैंने एक मैसेज किया है, डेट इतना, आज मैं 2 मंथ हो गया है, मैं दमन घूमने गया था और जैसे वहाँ पहुँचा गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, नेक्स्ट डे वापस आ गया। क्यों गए यार रितेश भाई, क्या चक्कर है यार ये, फिर गिर गए आप दोबारा से? ऐसा नहीं करना अपने को यार, प्लीज़ ध्यान दो यार, बहुत गलत है। शरण कुमार जी, 11 मंथ हो गए हैं, कितना चलना चाहिए? जितना ज़्यादा चल सके उतना ज़्यादा अच्छा है। चलने के साथ आपको नी बेंडिंग बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें करिए, बहुत अच्छा लगेगा, आराम से सब कुछ जाएगा। थैंक यू नितिन भाई, देवेंद्र भाई थैंक यू वाली कोई क्या बात है यार। अर्जुन भाई, भाई भी बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो। सपने नहीं, सबने कितने दिन में छोड़ा है की बात कर रहा है, सबने कितने दिन में छोड़ा है, वो लिखा ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा भाई क्या लिख रहे हैं। हाय दीपक भाई, तेरे को ढूंढ रहा था, तू व्हाट्सएप में नज़र नहीं आ रहा मुझे, तू हेलो भेजियो मेरे को आज। वेलकम अर्जुन भाई, भाई फिजियोथेरेपी भी करा रहा हूँ, 8 मंथ हो गए हैं, पर खड़ा तो एंकल पूरा खुला नहीं है, एक्सरसाइज से ही खुलता है यार, करते रहो खुल जाएगा। रविंद्र जी भाई, हम कब तक ठीक होंगे? घर वाले ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। रविंद्र जी बहुत जल्दी यार, अपने बस अपने ऊपर भरोसा रखो और अभी एक्सरसाइज करते रहो सर, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 से 6 महीना लगता ही है उसमें यार, मतलब ये समझो कि नॉर्मल लाइफ आने में 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाता है बिल्कुल नॉर्मल होने में, दौड़ने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। 8 मंथ हो गए हैं, अभी एंकल नहीं खुला है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो रविंद्र भाई, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो लगा है तो झेलना है हमको ना भाई। फिजियोथेरेपी भी करा रहा हूँ, ओके वेलकम अर्जुन भाई। हाय दीपक भाई, दीपक तू कहाँ है यार? तेरा किडनी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, खाने पीना तो फॉलो करना पड़ेगा डॉक्टर के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ज़रूरी है, खाना पीना बहुत ज़रूरी है यार, ध्यान रखिए अपना। मैं कितने दिन में चल सकता हूँ? विजय जी आपका कितना दिन हो गया है अभी, आप कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
नितिन भाई कब SLR करना है, चलना शुरू करने के बाद और उससे पहले भी कर सकते हैं? बिलन गुरंग जी, उससे पहले ही करना है, चलना शुरू करने से पहले ही करना है। SLR तो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, हम सबको करनी चाहिए, करते ही हैं हम सब, मुझे लगता है। इधर जी आप कैसे हो? दीपक भाई पूछ रहे हैं। दीपक जी मैं ठीक हूँ। ओ भाई मेरा नंबर डिलीट कर दिया आपने? नहीं नहीं तेरे को ढूंढ रहा था यार, सच में नहीं, नंबर डिलीट नहीं किया, एक बार हाय लिख के भेजियो, मैं दीपक दीपक करके सर्च कर रहा हूँ, मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो ही फर्स्ट टाइम है मेरा फ्रैक्चर का नितिन भाई। अच्छा वो फर्स्ट टाइम, मुझे लगा दोबारा लग गई यार, ऐसा मत कहो रितेश भाई। चलो ठीक है, वो फर्स्ट टाइम था, कोई बात नहीं भाई, अभी आप ठीक हो तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हो तो ऑल द बेस्ट। राम राम भाई, राम राम अमित भाई, कैसे हैं आप? TVF फ्यूबुलर फ्रैक्चर में 4 व्हील 4 व्हीलर कब चला सकता हूँ? 143 डेज हो गए हैं, पिछले 45 दिन से वॉकर के सहारे चल रहा हूँ, कब बिना सपोर्ट के चल पाऊंगा? देखिए आप 45 डेज से 143 डेज हो गए हैं और 45 डेज से वॉकर के सहारे चल रहे हैं, तो आप स्टिक पे स्विच कर सकते हैं अमित जी, तो स्टिक पे स्विच करिए और स्विच करने के बाद आप स्टिक से चलना शुरू करिए, धीरे धीरे स्टिक छूट जाएगी। 4 व्हीलर 6 मंथ के बाद ही चलाइए, जल्दीबाजी मत करिए किसी भी कोई भी चीज़ चलाने के लिए। भाई नी में पेन कब तक सही होगा? तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सारी एक्सरसाइज करिए, नी बेंडिंग करिए, उसके बाद ही हो जाएगा। अगर अकड़न लगती है, स्टिफनेस लगती है, वो भी हमारी एक्सरसाइज से ही जाती है भाई। दीपक जी आप दिवाली आप आए दिवाली आई आप आए दिवाली आई गीता जी बोल रही हैं। दीपक फ्री फायर खेल रहा था, बहुत बेकार गेम है दीपक भाई। थैंक यू गीता जी, थैंक्स भाई, मैं कल पक्का सुपर चैट करूंगा, पक्का भाई, थैंक यू सो मच चरणजीत जी। अरे हाँ मैं भी ये बोलना भूल जा रहा हूँ बार बार, तो भाई अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चैट बॉक्स में जहाँ आप मैसेज लिख रहे हैं उसके बगल में एक डॉलर का साइन बना हुआ आ रहा है, उससे मिनिमम 20 रुपीज़ और मैक्सिमम जितना आप चाहें उतना आप सुपर चैट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। 9 मंथ के 9 मंथ के अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है चलने को, 9 मंथ हो चुके हैं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है चलने को। विजय जी 9 मंथ तक आप नहीं चले हैं तो ये तो दिक्कत की बात है। अमन भाई आपको खेलना नहीं आता है वो बेकार नहीं है, हाँ ये साथ भी सही है भाई, जिसको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगता है। दीपक जैसे पीछे देखते हैं BGMI में कैसे देखते हैं फ्री फायर में, बताओ बताओ। अमन भाई ने भी स्टार्ट कर दिया, यू आर सो क्यूट, क्या बात है दीपक जी। अमित जी बोल रहे हैं भाई 53 डेज हो गए हैं अभी तक वॉकर्स के सहारे चलने को नहीं बोला है। 53 डेज हो गए हैं अमित भाई आपको वॉकर के सहारे नहीं बोला है, 75 डेज में डॉक्टर बोल दें मे बी कि फुल वेट के साथ चलने के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 53 डेज, सबका फ्रैक्चर अलग अलग होता है भाई, ये चीज़ ध्यान रखो, फ्रैक्चर टू फ्रैक्चर वैरी करता है, हमारी जो रिकवरी है ना वो फ्रैक्चर टू फ्रैक्चर वैरी करती है। फ्रैक्चर कैसा भी हो, सर्जरी हो या प्लास्टर हो, नॉर्मल होने के लिए 6 से 12 मंथ लगेंगे ही लगेंगे। सही बात है निहार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं निहार रंजन जी कि 6 to 12 मंथ लगते ही लगते हैं कैसा भी फ्रैक्चर हो। दीपक भाई ने अपना नंबर दे दिया है, ये नंबर इनकी UID है, उस UID में आप ज़रूर वो कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं फ्री फायर में, वो आपको सिखा देंगे खेलना। आप हल्द्वानी गए हो सर? हाँ गरिमा मैं हल्द्वानी गया हूँ यार, हल्द्वानी आ गया था, कल ही आ गया था हल्द्वानी, क्योंकि जब भी सेकंड सैटरडे संडे होता है तो हल्द्वानी आ जाता हूँ मैं, तो मैं अभी हल्द्वानी में हूँ, यहाँ नेटवर्क थोड़ा ठीक है इसीलिए, वरना तो वहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है। रिक्वेस्ट भेज दो भाई, अमन भाई रिक्वेस्ट भेज दो सर, श्योर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है वो ऐड कर दूँ भाई। मेरा कमेंट, अच्छा अमन सैद भाई का कमेंट छूट गया, ऐसा कैसे, सैद भाई का कमेंट कैसे छूट सकता है भाई, मैंने तो पढ़े थे मैसेजेस। मैं आई एम सो सॉरी एवरीवन, ओके इशू इसलिए आया, सॉरी, नेट मेरा चल रहा था, कॉल आ गई तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। हमारे जैद भाई का कमेंट पढ़ रहा था मैं, जैद भाई का कमेंट पढ़ते पढ़ते नेटवर्क का ऐसा एरर आ गया, कहाँ गया जैद भाई का कमेंट, ये रहा। आई एम सो सॉरी एवरीवन, भूला नहीं हूँ भाई लोग, बस शेड्यूल बहुत बिजी हो गया है, चल रहा है। यू ऑल आर ऑलवेज इन माई प्रेयर्स, थैंक यू सो मच जैद भाई, बस इसकी ज़रूरत है भाई। मैं स्किप कर दिया भाई, नितिन भाई ने स्किप कर दिया, नहीं, मैंने स्किप नहीं किया, वो रह गया होगा हो सकता है भाई, स्किप क्यों करूँगा मैं आपका मैसेज, दोबारा जाके बढ़ाया। रिक्वेस्ट भेज दो अमन भाई, रिक्वेस्ट भेज दो जरूर जैद भाई को, सॉरी हमारे दीपक भाई को। जैद भाई क्या चल रहा है भाई, कुछ भेजोगे आज वीडियो वीडियो? ओके सर, कल मैं कल के लिए आई एम सॉरी, कल आधे में लाइव से चले, इट्स ओके गरिमा, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ इट्स ओके, आपका लाइव में रहने से ज़रूरी आपकी सेहत है, आप उसको ठीक रखिए। दीपक भाई भेज रहा हूँ, भेज दीजिए रिक्वेस्ट, क्या बात है भाई, सीधे सीधे गेम के लिए रिक्वेस्ट आने लगी अभी से ही। TVF वाला फ्रैक्चर में 4 व्हीलर चला सकता हूँ, मैंने सारे मैसेज पढ़े हैं अभी तक के, दीपक भेज रहा हूँ ओके। और बताइए, रिहान भाई ने टाइम भेजा है, दिस मैसेज इज फॉर होल्ड, क्या मैसेज था, शो कर देते हैं, रिव्यू के लिए चला गया आपका मैसेज। रिहान भाई ने क्या भेजा था, 10 बजे, हाय रियाजु भाई क्या हाल चाल है आपके, 10 बजे का टाइम आपने भेजा था भाई। रियाजु भाई हेलो, दीपक भेज रहा हूँ। और बताइए,
कोई मैसेज आया नया, स्कूल का वो बस्ता मुझे फिर से थमा दो, माँ ये ज़िंदगी का सफ़र मुझे बहुत मुश्किल लगता है। क्या बात है भाई, आज लेग्स के एकदम नॉर्मल है, बैंड भी होता है, बट ओनली इशू इज़ दैट मसल इज़ वीक, दैट आई कैंट ट्राई टू वॉकिंग, आई वॉक बट देयर इज़ लिम्पिंग। सो हितेश जी देखिए, लिम्पिंग होना नॉर्मल है, लेकिन आप चल पा रहे हैं बिना कोई सर्जरी के, बिना किसी चीज़ के, तो ये सबसे इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। और आप बोल रहे हैं कि आपकी बेंडिंग अच्छी हो रही है, जो कि एक औसम बात है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपकी बेंडिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कल भेजता हूँ रनिंग का, डन 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 जैद भाई, कल भेजिए अपनी रनिंग का, बहुत ज़रूरी है आपकी रनिंग देखना, क्योंकि मैराथन दौड़ना है आपने। और मुझे पता था, पक्का मालूम है कि आप बहुत जल्दी बताएंगे कि मैं तो भाई रनिंग कर रहा हूँ और रनिंग में फर्स्ट भी आ गया। FF दीपक 00 मेरा नाम है गेम में, FF 00 दीपक भाई का नाम है, कोई नहीं कल ही कर खेल लेंगे, कल ही खेल लेंगे, सही बात है, कल ही खेल लेंगे, सही है भाई, बढ़िया है। और बताइए, और बताइए भाई लोग, क्या चल रहा है लाइफ में, कितने अच्छे हो रहे हैं सब लोग, क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, सारी चीज़ें बताइए प्लीज़। 23 लोगों ने लाइक कर दिया है और 25 लोग लाइव हैं, तो 2-3 लोग और हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हरीश जी बोल रहे हैं कुछ, एक साथ मैसेज आए, हरीश जी बोल रहे हैं मेरा भी टीविया, प्लीज़ कॉल मत करिए प्लीज़, एक मिनट मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ, ये इनकी कॉल। प्लीज़ यार लाइव के बीच में कॉल मत करा करिए, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता यार, कॉल रिसीव करता हूँ तो आवाज़ नहीं जाती है, समझा करो बात को। मेरी भी टीबिया फिब्यूलर फ्रैक्चर हुई है, बट मेरा एंकल बहुत पेन होता है। हरीश जी आपके एंकल में पेन होता है, मैं समझ पा रहा हूँ, एंकल का पेन हम सबको बहुत हुआ है स्टार्टिंग के डेज में, उसके लिए हमने एक्सरसाइज करी, हम सब एक्सरसाइज करते हैं और वो ठीक हो जाता है, प्लीज़ एक्सरसाइज करिए हरीश जी। एंकल के लिए डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, अपने पैर को पीछे को आगे को करना है हमें, बहुत ज़रूरी है, ये करते रहिए, इससे ठीक हो जाएगा हरीश जी, टेंशन मत लीजिए, हम सब फ्रैक्चर फाइटर्स हैं और हम सब ठीक हो रहे हैं। गरिमा जी कभी मैं कभी हल्द्वानी आई तो आपसे पक्का मिलूंगी सर, क्योंकि मुक्तेश्वर स्कूल में बिजी रहते हैं। अरे नहीं नहीं, हम स्कूल में ही मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और हल्द्वानी में तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है, अरे क्या बात है दीपक, बस वेट बढ़ गया है, कुछ खास नहीं चल रहा हूँ, बस जॉब जॉब जॉब, हाँ जॉब के बाद तो यही होता है यार, जॉब में सब लोग बिजी हो जाते हैं, हर किसी के साथ यही होता है। मेरे फ्रेंड का फ्रैक्चर हुआ था, 6 मंथ हो गए हैं, प्लास्टर कभी अभी खुला है, खुल गया है अभी, प्लास्टर भी खुल गया है और वो स्टिक से चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि फ्रैक्चर्स मतलब 1 ईयर लगेगा सब कुछ ठीक होने में। देखिए ऐसा नहीं है, सबका फ्रैक्चर अलग अलग होता है निहार भाई, फ्रैक्चर टू फ्रैक्चर सब चीज़ वेरी करती है। हमारे जो जैद भाई हैं कश्मीरी हाइव भाई, 3 महीने में इनका फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो गया था, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तो फ्रैक्चर टू फ्रैक्चर वेरी करता है और इंसान की विल पावर पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, अपने अपनी विल पावर पक्की रखिए, सब हो जाएगा। सीढ़ी कितने दिन बाद चढ़ सकते हैं, अमित कुमार जी 3 महीने बाद, 2 महीने बाद भी आप चढ़ सकते हैं विद द यूज़ ऑफ वॉकर, स्टिक और वॉकर के सहारे अगर आप चढ़ पा रहे हैं ईजी है। और लेकिन अगर नॉर्मल वाली सीढ़ी चढ़नी है एक के बाद एक वाली, अभी तो आपको एक एक करके चढ़नी पड़ेगी, एक फिर एक उसके बराबर में, फिर एक फिर उसके बराबर में, अगर लगातार चढ़नी है तो उसमें 6 मंथ का टाइम लग ही जाता है लगभग। हेलो योगेश भाई क्या हालचाल है, मैंने किसी का मैसेज छोड़ा तो नहीं ना, मैं ओके ठीक है, सीढ़ी है भाई, स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। मैं आपको अपने HD पिक सेंड करता हूँ, दिखाओ सबको अपने फ्रैक्चर शो, दिखाओ सबको अपना फ्रैक्चर, शो मी व्हाट्सएप नंबर ऑन स्क्रीन। हितेश जी मैं आपको नंबर अपना दे देता हूँ, आप मुझे एक्सरे भेजिएगा प्लीज़, फ्रैक्चर्स वाली जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा, हाँ लेकिन अगर आप मुझे अपना वो भेजेंगे, अगर अपना सर्जर अपना एक्सरे भेजेंगे तो मैं उसको ज़रूर शो कराऊँगा यहाँ पे। हितेश जी ओके सर, मेरा 52 डेज हो गए हैं, मुझे फीवर हुआ था, डोलो टैबलेट लगाया डाल दिया तो लेग में पेन कम हुआ, क्या कुछ लिंक है, आपने डोलो लिया है या पैरासीटामोल? देखिए दर्द तो उससे होता है, पेन किलर होता है, तो हो सकता है कि डोलो में कुछ उसके अंश हो यार, तो ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा होता नहीं है कि डोलो खाओ और पेट दर्द कम हो जाए, एंटीबायोटिक है वो तो दवाई मेडिसिन में भी कुछ फ़र्क हो। भैया विंटर में जगड़ जाता है, ऐसा लाइफ
भर चलेगा? नहीं नहीं जय शाह जी, ऐसा नहीं चलेगा लाइफ भर। कुछ टाइम तक जकड़ेगा पैर। जकड़ने का कारण एक ही है कि आप अगर उसको एक्सरसाइज करते रहेंगे सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत सोचो कि ये ज़िंदगी भर कुछ नहीं आता। ओके भैया विंटर्स में गीता जी कॉल कर रहे थे क्या? गीता जी ने नहीं कॉल करा था, तो किसी और का कॉल था। बट सर स्कूल में आपकी क्लासेस होती हैं सो बट बात नहीं हो पाती। हाँ ये भी है। सो मैं हल्द्वानी आऊँगी आपके। ओके डन 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 डन। मैं लाइव में कॉल नहीं करती कभी भी। हाँ वो लाइव में कॉल नहीं करती गीता जी कभी भी। ओके वेट बढ़ गया काफ़ी, बस यही टेंशन है। अरे वो तो कम कर लोगे जैद भाई, एक सॉन्ग गाओ तुम ही आने वाला आने वाला। मेरे को ऐसा लगा कि मैम गीता जी अच्छा सर्वाइव टिल द लास्ट ब्रेथ। हे सर्वाइव द टिल द लास्ट ब्रेथ, कैसे हैं आप? विंटर में जकड़ता है कुछ लोग का हुआ है। जकड़ता है मतलब देखिए जकड़ता है, हल्का हल्का पेन भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर वो चीज़ करेगी। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है यार, लेकिन उसकी आदत हो जाएगी और कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ एक बड़ी एज के बाद, एक एज के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। सोचो मत उसके बारे में यार, अच्छा सोचो ना, क्यों सोच रहे हैं उस बारे में? कुछ नहीं होगा, अभी तो नॉर्मल है, एक साल में बदल जाएगा। फर्स्ट विंटर्स, बस फर्स्ट विंटर की बात, विंटर की बात है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। हमारे सर्वाइव द लास्ट ब्रेथ वाले भाई भी बोल रहे हैं, तो किसी का वीडियो है फोटो मैंने मिस तो नहीं किया ना? एक एक्सरे आया था, ये किसका एक्सरे है? अगर आप में से किसी का है तो प्लीज़ बताएं। भाई पेन के लिए सबसे दमदार मेडिसिन का नाम है डाइनापेर। ओके सबसे दमदार मेडिसिन है पेन के लिए बोल रहे हैं रेहान रेहान भाई, लेकिन पेन किलर नहीं लेनी चाहिए रेहान भाई, सही नहीं लगता ना। 45 डेज कंप्लीट हो गए हैं, मैं विदाउट स्टिक चल सकता हूँ क्या? मैं अब स्टेयर्स चढ़ सकता हूँ? 45 डेज हो चुके हैं रेहान हरीश भाई, स्टेयर्स आप चढ़ सकते हो विद द यूज़ ऑफ स्टिक और वॉकर। वॉकर को बंद करके दो पैरों के सहारे आप उसको वॉकर के सहारे चल सकते हैं। चढ़ने का तरीका एक ही है, स्टेयर्स चढ़ने का तरीका एक ही है कि आपको जो पहले आपका सही वाला लेग है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको ऊपर रखिए, उसके बगल में फिर अपने इंजर्ड पैर को रखिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप चढ़ सकते हैं। दूसरा उतरते टाइम ध्यान रखना है कि जो आपका इंजर्ड पैर है उसको पहले नीचे रखना है, उसके बगल में पहले स्टिक रखनी है, फिर इंजर्ड पैर, फिर सूझा सही वाला पैर। तो ऐसे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, चल सकते हैं आराम से। सर मैं कितने दिन में चल सकता हूँ? हमने बहुत टाइम निकाल चुका है, अभी डॉक्टर भी चेंज कर दिया। आप कितने दिन में चल सकते हैं? मुझे आपका विजय जी याद नहीं है, कितना टाइम हुआ है, कौन सा फ्रैक्चर है, क्या सर्जरी है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं कैसे बताऊँ आपके दिन में चल सकते हैं। लेकिन हाँ 3 से 6 महीने में हो जाता है सब कुछ नॉर्मल। भाई पेन के लिए सबसे दमदार मेडिसिन, ओके डोलो टैबलेट में पेन किलर इफेक्ट होता है भाई, इसलिए पेन कम हुआ। ओके पेन किलर का भी इफेक्ट होता है, ठीक 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 ठीक। तो डोलो से इसलिए हुआ क्योंकि उसमें पेन किलर भी होता है। थैंक यू सो मच देव भाई, मैं यही बोल रहा हूँ ना, देव भाई का और अमन भाई का, सब लोगों का सपोर्ट बहुत रहता है। साला क्या बोल रहे हैं, साला पैर टूटा लाइफ टूटा? कुछ नहीं टूटा यार दीपक, क्यों सोच रहा है तू? कुछ नहीं हुआ लाइफ में चेंज। बड़ी एज वाले बताइए क्या बता रहे थे, जब हो गया है तो लो झेलना पड़ेगा। अभी से क्यों सोच रहे हो फिर उसके बारे में अजय भाई? अभी तो आपकी एज है ना, बाद में कई लोग बताते हैं कि यार जब एज बड़ी हो जाती है, जब बड़े हो जाते हैं सब लोग काफ़ी एज बुढ़ापे तक पहुंचने पे, हाँ वो कभी कभी पेन करता है क्योंकि जो टूटा वटा होता है ना वो बाद में दिक्कत करता है। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड लेग होता है वो नॉर्मल लेग से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ऐसा भी कहते हैं। तो टेंशन नहीं लो यार, अभी से लेके बैठ जाओ कि हाय अब क्या होगा फ्यूचर में, अभी पता नहीं, कल का भी पता नहीं हमें क्या होने वाला है, तो उतनी आगे की कहाँ सोच रहे हो, अभी तो इंजॉय करो। गीता जी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो आप? तो प्लीज़ बताओ, दीपक पूछ रहा है। अभी भी बारिश हो रही है, लगता है स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। अगर दिल्ली में कभी बारिश नहीं होती है, कभी होती है तो आप लोग इतना परेशान हो जाते हो? ऐसा मत परेशान हो यार, मोहब्बत और नौकरी में कोई फ़र्क नहीं है, इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा पर छोड़ेगा नहीं, ये बात तो है। पेन किलर्स इम्यून सिस्टम ख़राब करता है, बिल्कुल सही बात है। पेन किलर जितना हो सके पेन को बियर करो, नहीं हो पाता एक्सट्रीम हो जाए तभी पेन किलर लेना चाहिए भाई। थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए। गीता जी इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों यूज़ करती हैं गीता? सर मेरा एग्ज़ाम है वहाँ। आपका एग्ज़ाम है वह? कब एग्ज़ाम है विजय भाई, क्या बोल रहे हैं? गरीब भाई सर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, सारा पेन और फिर हेडेक, फीवर भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है, फीवर तो मन हो रहा है, नींद की गोली नहीं खाना है, नींद की गोली नहीं खाना गरीब, बिल्कुल नहीं खाना, नींद की गोली कोई अच्छी चीज़ नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आईडी दो अपना आईडी दो। सर फ्रैक्चर लेग में मुड़ के सो सकते हैं क्या? टीबिया फुल फ्रैक्चर 52 डेज, हाँ बिल्कुल आप आराम से सो सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, 52 डेज हो गए हैं। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो उसको फिर एलिवेट कर लेना, नेक्स्ट मंथ से डांस स्टार्ट करता हूँ। अरे वाह कश्मीर भाई, वेल्डन भाई, वेल्डन भाई कर दो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सजेशन, लव यू श्री हरीश भाई, टेंशन नहीं लेना है अपने को।
मेरा फ़ोन सही नहीं है इसलिए न्यू नंबर से लाइव ज्वाइन किया है। आई एम अर्चना। ओ सॉरी, हाय अर्चना मैम, कैसी हैं आप? आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, कल मैं अपलोड करूँगा और नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। प्रीति यादव जी, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है। हाँ, आज दिल्ली वाले तो हैं सब जो लोग बोल रहे हैं। प्रीति यादव जी, कैसी हैं आप? बात नहीं हो पाई बहुत दिनों से, आई एम सॉरी, थोड़ा बिजी हो गया था। अच्छा सोचा है, अच्छा होगा, हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। 9 मंथ हो चुके हैं सर, 9 मंथ हो चुके हैं विजय जी, और आप चल नहीं रहे हैं तो ऐसा अच्छा नहीं है। आपको चलना चाहिए, स्टिक के सहारे वॉक करना चाहिए, वॉकर हो चाहे स्टिक, हमको वॉक तो ज़रूर करनी चाहिए। कल का पता नहीं है, ये सही बात है, वही तो बोल रहा हूँ, कल का ही पता नहीं भाई, किसने सोचा था कि ये फ्रैक्चर हो जाएगा, हो गया ना, लेकिन तो वही वाली बात है। चरण जी जी भाई लोग, आज का देख लो, कल किसने देखा है, और लाइफ आज लाइफ की मजे, तो सही बात है भाई। थैंक यू भाई लोग सपोर्ट करने के लिए, और मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके चैट बॉक्स में जो डॉलर चैट कर सकते हैं तो सुबह चैट करिए, अच्छा लगता है यार, मन करता है, अच्छा लगता है कि सपोर्ट कर रहे हैं लोग। और बाकी तो कुछ नहीं, कल का पता नहीं है, ये बात सही है। निहार भाई, अगर ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज परफेक्ट हो चुके हो तो फ्यूचर में बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल हो जाएगा। आई हैव सीन, अगर एज डजंट मैटर, ये बात तो सही बात है। कई लोग हुए हैं सामने सामने, हमारे लोग सामने हुए हैं, कई लोग सोचते थे यार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाता है, उन लोग हुए भी हैं ठीक। जय हिंद, जय हिंद दीपक भाई। रंजीत भाई, हाय सर, हाय रंजीत भाई, कैसे हैं आप? आई सॉ योर ऑल वीडियोज़ और आपसे इंस्पिरेशन मिल गया, थैंक।